अपना ख्याल रखना अजीत। फिट्टे मुंह इस लंबे दे, कुत्ते कोड़े एक बराबर कीते है। इन लेटर्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे लगे कि ये लव लेटर है। वो मम्मा, और अब तो सारे लेटर्स खत्म भी हो गए हैं, अब क्या करें? इसमें देखती हूँ कुछ और। अरे है, एक मिनट। कैसे कैसे मनहूस लोग टकर गए सुबह सुबह। चल छती अंदर, सारा दिन खराब हो जाएगा। चल चलो चलो। हाँ चल। हाय दिव्या दी। हाय भाभी, कैसे हो और क्या चल रहा है? और जयवीर जी कैसे? और मेरा क्यूटी पाई दिलू स्कूल गया कि नहीं? बुआ को याद करता है कि नहीं? अरे बाप रे बाप, इतने सारे सवाल, किसका जवाब पहले दूं? कोई ना भाभी, एक एक करके पूछ लूंगी। पहले बताओ कैसे हो आप? मैं तो एकदम बढ़िया। वो तो आप हो ही 100 out of 100, बस जयवीर जी थोड़ा सोसो है। अच्छा ये बताओ पापा कहाँ हैं? दिव्या दी, सारे सवाल आप ही पूछ लोगे, मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ हाँ भाभी बिल्कुल पूछो, मैंने कब मना किया? आप ये बताओ कि आप वापस कब आ रहे हो? वो पता नहीं भाभी, अभी तो एक दो मंदिरों में जाना बाकी रह गया और कुछ रिश्तेदारों से मिलना भी बाकी रह गया। सच कहूँ मेरा हनीमून ना इन मंदिरों के दरवाजों पे और रिश्तेदारों के पैरों पे माथा टेकते टेकते निकल गया है। अच्छा फोन रखती हूँ, इनकी किसी दूर के चाची से मिलने जाना है, ठीक है? अच्छा भाभी, पापा का फोन नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? नेटवर्क इशू होगा। ओके, उन्हें कहो मुझे कॉल बैक करे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। ओके बाय बाय बाय। इसका फोन था दिव्या दी का। ठीक तो ना वो? वो तो ठीक है, लेकिन जय ये पापा जी और स्वरण आंटी जी का जो मैटर है, और अब पापा जी स्वरण आंटी जी के घर में जाके रह रहे हैं, ये सब अगर दी को पता लगेगा ना तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। तुझे कैसा भी लगे मुझे नहीं पता, पर मैं तो अजीत जी की साइड पे हूँ। मतलब तू भी मुझे बेचारी और लाचार समझती है इस अजीत की तरह? जा तू अपने घर जा। अरे मैंने तुझे कहाँ बेचारी लाचार बोला है, तू ना सब कुछ कर सकती है। पर ये सोच, हम समाज में रह रहे हैं। हाँ, और उसी समाज में एक आदमी मेरे घर आके रह रहा है तो लोगों ने कुछ नहीं कहना है? एक आदमी जब साथ खड़ा हो जाता है ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती है नजर उठा के औरत को देख ले। तू खुद सोच स्वरण, कवल जी होते तेरे से कोई पूछता तू के पिंड के दोस्त को लेटर लिखती थी? किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की, है ना? एक गुड न्यूज थी मेरे पास, पर अब बताने का मूड नहीं है। अरे स्वरण बता ना, अरे स्वरण प्लीज बता ना। मिकी को ना कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो मेकअप शेकअप का, की कहते ब्राइडल मेकअप का। सच्ची? हाँ, हाँ, हाँ। और उसके साथ मैं भी जा रही हूँ उसकी असिस्टेंट बनकर, ताकि वो घबराए ना। उसकी घबराहट दूर करने या अपनी? ले मैं क्यों घबराऊंगी, हर माँ घबराती है। तू बेटियों वाली हो गई है ना, अब तो घबराहट लगी रहेगी। माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। घबराती तो मैं अपने बेटों के लिए भी थी। अच्छा बाबा, मैं और बहस नहीं तैसा कर सकती, चल अब और एक अच्छी सी चाय पिला दे। चल आ जा। स्वरण ये आवाज कौन निकाल रहा है? वही जिसकी तू साइड ले रही थी अभी अभी। और चलो अब शुरू करो। ओ नहीं नहीं पुत्र जी, ओ आवाज पेट से आनी चाहिए, ओ दिल से पी। मुझे आ गया अंकल, मैं करके दिखाओ। हाँ
क्या हो रहा है ये सब यहाँ? कुछ नहीं, मैं बच्चों को सिखा रहा था कि असल में चाय पीने का तरीका। बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्या हो क्या रहा है? शर्वरी जी, ओ आप मेरी ये देसी वाली चाय पियेंगी? हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं। ओ जी ठीक है। ओ जी लेकिन एक शर्त है, आपको पीनी पड़ेगी मेरे तरीके से, सुड़गियां ले लेके। पीऊंगी ना। अपना तरीका अपने पास रखो, मेरी दोस्त को सुड़ सुड़ सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ मैंने तो लगा कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। ओ छड़ो जी, ओ पुत्र जी, हम जो कर रहे थे उस पे ध्यान देते हैं, हैं? ओ मेहनत से और लगन से फुर से मंजिल मिल जाती है। ओ ये तो फिर भी सुर है। ओ करो करो, शुरू करो। आंटी जी आप भी करो ना, कितना मजा आएगा जब सब सुर करके चाय पियेंगे। और मैं रील्स भी बनाऊंगी और कैप्शन डालूंगी सुर। हाँ। चाय नहीं पीती मैं। नीलू पुत्र जा कॉफी बना ला मेरे लिए। और ठीक है, अंग्रेजों को कॉफी पीने दो, ओ हम तो देसी स्टाइल वाली चाय पियेंगे, हाँ अपने तरीके से। चलो शुरू हो जाओ। मेकी पुत्र, हमें जाना है ना, सब कुछ रेडी है? ओ बिल्कुल रेडी है, और थोड़ी डरी हुई थी इसलिए तो ये सुड़कियों वाला गेम शुरू कर दिया मैंने। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना। ओ ठीक है जी। ओहो, लेटर्स में भी कुछ नहीं मिला, कैसे प्रूफ करेंगे कि उन दोनों का चक्कर था? ओहो मम्मा, सोने का नहीं सोचने का टाइम है। आ गया कुकु कुकु, कौन आ गया? वही आइडिया आ गया। थैंक गॉड, मुझे लगा वो लांबा आ गया। उस लांबे का नाम ना ले, उसकी नकल कर बस। नकल मतलब? जैसे बचपन में किया करती थी, पापा की हैंडराइटिंग कॉपी करके, रिपोर्ट कार्ड पे साइन और कमेंट करके। लेकिन पापा की हैंडराइटिंग से ये लांबे का क्या कनेक्शन है? ओहो दिमाग फिर गया तेरा। ये ले लेटर, कितनी आसान है ना उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करना। जैसे पापा की हैंडराइटिंग कॉपी करती थी ना, वैसे ही लांबे की हैंडराइटिंग कॉपी कर ले। खुद से चिट्ठी लिख, फिर रच के गंदिया गंदिया गल्ला लिखो, दे अपनी गल ते बन जानी है। किसका? हम्बर का मैसेज है। क्या लिखा? देख पढ़ 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 ली ना। हाय किरण दी, इम्पोर्टेंट न्यूज है, स्वरण आंटी और मिक्की किसी शादी में जा रहे हैं दुल्हन का मेकअप करने। सब कुछ ले लेता। ठीक है ठीक है, घबरा नहीं रही ना, मैं हूं ना। दही चीनी तो भूल ही गई। नीलू पुत्र, पुत्र दही चीनी ले आ। मेकअप करने ही तो जा रही है। कौन सा बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रही है? चुप कर, सामने देख। ले पुत्र दही चीनी खा के जा, वो सब कुछ ठीक होना है एकदम। अरे वाह जी जी, आपने तो नीलिमा से पहले ही दही शक्कर लेके बाजी मार ली। वैसे इसको नॉर्मली खाना या सुर करके? ओ, नहीं नहीं लो पुत्र। थैंक यू अंकल। चले पुत्र। अरे रुको रुको, अजीत जी स्वरण भी तो मिक्की के साथ जा रही है, आप उसको दही शक्कर खिला के विश नहीं करेंगे? ओ जी स्वरण मेरे साथ साइलेंट मोड पर है आजकल। तो आप स्पीकर मोड पे डाल दो ना। स्वरण ने ही तो मिक्की को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। मुझे नहीं चाहिए कोई दही चीनी विनी, कॉन्ट्रैक्ट मिक्की को मिली है, उसने खा ली बस हो गया। चल पुत्र चल। प्लीज आंटी मेरे लिए खा लो। प्लीज। हाँ स्वरण, अरे गुड लक होता है यार, खा लेना प्लीज। हो हाय, देख तो सही कैसे माही वाल की तरह दही चीनी खिला रहा अपनी सोनी को, लेकिन लेटर्स में एक ढंग की चीज नहीं लिख पाया ये टंकर। ओफो मामा, आप जाके ना रायता फैलाओ शादी में। अंबर ने मुझे वेडिंग वेन्यू भेज दिया है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। यहाँ मैं लांबे का सीन रेडी करती हूँ और आप वहां जाके मिक्की का सीन बिगाड़ दो। बेटियों से घर बनाना था ना सासू माँ को, मैं देती हूँ कैसे बनाती है।
आओ जी आओ, वेलकम गुरमीत जी। ओ सत श्री अकाल जी, आओ जी आओ, रब दा शुक्र है तुसी आ गए। पिंकी तो डिबेट कर रही है, ये वही है ना जिनकी मोबाइल पे फोटो आई थी, आप वही हो ना? हाँ जी हाँ जी, सब ठीक जी, पर मेरा वो मेकअप मेरी बेटी मिक्की ने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, किया था ना डॉली मेकअप, बहुत अच्छा किया था। अरे ये तो है ही सुंदर, इन पे तो सभी अच्छा लगेगा, पिंकी को चमकाए तो माने। आओ जी आओ, पिंकी पुत्र देख तेरा मेकअप करने आए हैं, इनसे बात कर। गुरमीते आई आई बुआ जी। मैं अभी आई। आप लोग जाइए यहाँ से। हाँ जी, क्या हुआ मैम, आपको मेकअप पसंद नहीं आया फोटोज में? अच्छा था, पर मुझे सुंदर बनाने के लिए कहीं आपका मटेरियल कम ना पड़ जाए, मुझे जो चाहिए वो है मेरे पास, ये इम्पोर्टेड क्रीम मेरी फ्रेंड ने भेजी है, इससे मैं सुंदर हो जाऊंगी। पुत्र जी बुरा ना मानो आप, पर ऐसी जो क्रीमें होती है ना ज्यादातर नुकसान पहुंचाती है। पर मुझे सुंदर दिखना है। वो तो आप हो, है ना पुत्र जी? हाँ। बहुत सुंदर हो आप, और रंग का सुंदरता से क्या लेना देना, कृष्ण भगवान भी तो सांवले हैं, दुनिया में उनसे सुंदर कोई है? वो सब तो ठीक है, पर आप ये सब बातें जाके मेरे रिश्तेदारों को समझाइए। बैठो बैठो मिकी। पुत्र जी वो रिश्तेदारों से आपका मतलब डॉली जी तो नहीं? हाँ, वो हमेशा बोलती है अगर मैं उन पे गई होती तो मैं सुंदर होती। आपको पता है आप इतने सुंदर क्यों हो? कि आप है ना उन पर बिल्कुल भी नहीं गए हो। आपका ये जो खिलता चमकता चेहरा है ना, हम मेकअप करेंगे तो उसके बाद और भी चमकने लगेगा पुत्र। मिकी पुत्र तू शुरू कर, मैं आई अभी आई हूं पुत्र जी। ओ आओ जी खाओ जी, ढाबे की तरफ से स्पेशल ऑफर है जी। ओ गर्मी इतनी बढ़ गई है चौधरी साहब, रिश्तेदारों को बरातियों को नींबू पानी शरबत तो लगेगा ही ना जी, हैं? वो हमारी तरफ से फ्री है, बोनस है। ओ फिक्र ना करो चौधरी साहब, ओ लड़की की शादी धूमधाम से होनी है, हैं? ओ हम पूरी जान लगा देंगे। चंगा जी चंगा। ओ महीनों तक सफाई करनी है इनकी, हैं? और नींबू पानी शरबत तैयार करो, शादी का ऑर्डर मिला, जाओ जाओ चेती। ऑर्डर अभी तो आपने कहा फ्री है, बोनस है। ओ कान मेरे पीछे ही लगा के घूमते हो क्या, हैं? तो जाके जल्दी काम करो, जल्दी तैयार करो। मैनू पता है सुरन, ना तुझे मेरी ना मेरी किसी मदद की जरूरत है, तू सारे काम कर ले कर सकती है, लेकिन तेनों इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। और जो लोग हमारे पिंड तक पहुंच गए वो कुछ भी कर सकते हैं। और ठीक है मैं तेरी मदद करने नहीं आ रहा हूं स्वर्ण, बस तेरे आसपास रहूंगा ताकि कुछ गलत ना हो। क्या लिखना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लिखना होगा तो कुछ ऐसे देसी और नॉर्मल लिखना होगा। वो किरण सोच सोच कुछ जबरदस्त सोच, क्योंकि अगर मम्मी ने शादी में सॉलिड रायता फैला दिया ना और यहां मैं कुछ नहीं लिख पाई तो बहुत इंसल्ट हो जानी है, इसलिए किरण सोच कुछ रोमांटिक सोच। हमारी जोड़ी राम सीता जैसी होती स्वरन, तो अगर वनवास भी जाते तो साथ साथ जाते। काश मैं तुम्हारी शादी उस कवल बेदी से ना होने देता। What the hell? आरु ये सब क्या है? मम्मा ये मैंने नहीं, युग चाचू ने किया है। वे,
अरे मैंने कब क्या झूठ बोल रहा, मुंह पे झूठ बोल रहा, क्यूट हूं क्यूट है। ये लो और बाहर जाके खेलो। मम्मा आप इतना अच्छा थ्रो करते हो और कैच भी, डू इट वन मोर टाइम, चाचू थ्रो। ये लो। हाँ हाँ अंकिता पुत्र की कह रही थी, नहीं वो थोड़ा नेटवर्क खराब है। दिव्या आ गई? नहीं आंटी जी, अभी कुछ दिन और लगेंगे उनको। उनका फोन आया था पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बहन जी। आप जी? मैं नम्रता। नम्रता जी पर एक वही है जो पापा जी को घर वापस आने के लिए मना सकती है। बहुत जिद्दी है वो और पापा जी उनकी जिद के आगे हमेशा झुक जाते हैं। पता है मैंने, तभी तो कह रही थी तुझसे कि एक बारी दिव्या से बात कर ले। ये क्या है मम्मा? अरब लीव इट। कोई बात नहीं भाभी, मैं हेल्प कर देता हूँ। नो 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 नो, मैं कर लूंगी ना। योग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? जी मुझे लड़के वालों ने भेजा है, मैं लड़के वालों की तरफ से आई हूँ। वो क्या है ना कि आप राकेश है ना, आपका होने वाला जवाई, उसकी जलंधर वाली बुआ की ननद की मासी हूँ जी। जी मुझे सब ने इसलिए भेजा कि मैं शादी से पहले होने वाली दुल्हन की नजर उतार लूँ। हमारे में मानते हैं ना जी, तो आपके और भैया के लव लेटर्स हैं क्या? हाँ हाँ पुत्र जी, तू दिव्या आ जाए तो फोन करी। ठीक है आंटी जी। आंटी जी जो मैंने कहा ना, लीव इट, मैं कर लूंगी। चिल चिल भाभी, हम जा रहे हैं। लो लो पकड़ो। हाँ ओके चल बेटा। थैंक गॉड, अगर योगी ये लेटर्स देख लेता बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ मिकी पुत्र, आ रही हूँ आ रही हूँ। पुत्र तो शुरू तो कर। अब कुछ शुरू नहीं, सब कुछ खत्म होगा समधन जी, क्योंकि निम्मो आ गई है तेरा तमाशा बनाने। बस किरण ने लेटर लिख दिया हो। योग मैंने कहा ना कि मैं मुझे लगा योग है। वो सब छोड़ो भाभी, ये क्या है? विक्रम वो मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं इन लेटर्स के बारे में। भाभी मैं लेटर के नहीं इस फोटो की बात कर रहा हूँ। ये फोटो, ये तो मम्मी जी हैं। भाभी ये मुझे भी दिख रहा है कि ये मम्मी है, उनके साथ में कौन है? अरे ये तो वो अजीत लांबा है। और हाथ में वरमाला भी है। ओ, मतलब इन दोनों की शादी। कहां से मिली आपको फोटो? अरे कल अंबर आई थी तो उसने मुझे सब लेटर्स दिए, लेकिन ये मुझसे कैसे मिस हो गई है पिक्चर? और इन दोनों की शादी कब हुई है? 3 May 1990, मतलब मम्मी और पापा की शादी से पहले। ओ, मतलब तुम्हारी मम्मी की पहले ही अजीत लांबा से शादी हो रखी थी। इसका मतलब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को चीट किया। अब इसका क्या जवाब दोगी मम्मी आप?